Let's see the first question of our poem on Shakespeare. What does the weak witness of thy name refer to? कि इस पोइम के अंदर वीक विटनेस ऑफ दाई नेम, कि जो तुम्हारे नाम का ये जो वीक विटनेस है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया है? आंसर इज वीक विटनेस ऑफ दाई नेम रेफर्स टू टोम्स, रैलिक्स, पिरामिड्स और सेपल्कर्स. कि वीक विटनेस किसके लिए यूज़ किया गया है? टोम्स के लिए, रैलिक्स के लिए, पिरामिड्स के लिए या सेपल्कर के लिए? कि जो मोन्यूमेंट हैं उनके लिए यूज़ किया गया है, कि उनकी अपने बात कर रहे थे कि उनको ट्रिब्यूट देने के लिए क्या किया जाए, उनके नाम का एक मोन्यूमेंट बनाया जाए. तो ये सारे उसी लिए वर्ड यूज़ किए गए हैं कि मोन्यूमेंट के लिए वीक विटनेस यूज़ किया है. शेक्सपियर हैज स्ट्रोंगर विटनेस ऑफ हिज नेम इन द फॉर्म ऑफ हिज लिटरेरी वर्क्स. और ये बताया है कि जो शेक्सपियर हैं वो तो खुद ही क्या है, स्ट्रोंगर विटनेस हैं अपने नाम के. किस फॉर्म के अंदर? ऑफ हिज लिटरेरी वर्क्स, कि उनका जो लिटरेरी वर्क है उस फॉर्म के अंदर ही वो तो इन चीज़ों से ज़्यादा स्ट्रोंगर विटनेस हैं. इन कंपैरिजन टू दीज, इनके कंपैरिजन में एनी मोन्यूमेंट इन स्टोन आर अ वीक साइन ऑफ हिज रिमेम्बरेंस एज ऑल दीज विल डिके विद द पैसेज ऑफ टाइम. तो इन लिटरेरी वर्क के कंपैरिजन में वो कह रहे हैं कि कोई भी मोन्यूमेंट है स्टोन का, वो तो एक वीक साइन है. किसके लिए? फॉर हिज रिमेम्बरेंस, कि उनको याद करने के लिए उनकी मेमोरी के अंदर बनाया गया कोई भी मोन्यूमेंट तो एक वीक साइन है. क्योंकि जैसे जो टाइम है वो डिके बीते, टाइम पैसेज ऑफ टाइम, जैसे टाइम जाएगा तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, डिके, नष्ट हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी. लेकिन जो उनका लिटरेरी वर्क है वो हमेशा लोगों के मन में बना रहेगा, इसलिए ये क्या है, वीक साइन है और वो अपने आप में खुद ही स्ट्रोंगर विटनेस हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज मिल्टन फील इट इज़ नॉट नेसेसरी टू पुट अ मोन्यूमेंट इन स्टोन फॉर शेक्सपियर. कि जो मिल्टन है ये फील क्यों करते हैं कि शेक्सपियर के लिए कोई भी स्टोन का मोन्यूमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है. मिल्टन टेक्स शेक्सपियर एज एन आइडल पर्सनैलिटी. तो मिल्टन है वो शेक्सपियर को क्या मानते हैं, एक आइडल पर्सनैलिटी मानते हैं, एक आदर्श मानते हैं जिनको फॉलो करना चाहिए, ऐसी पर्सनैलिटी मानते हैं. ही सेज दैट शेक्सपियर्स वर्क्स आर हिज ट्रू मोन्यूमेंट. वो कहते हैं कि जो शेक्सपियर के वर्क हैं वो ही क्या हैं, उनके ट्रू मोन्यूमेंट हैं. दे रिमाइंड पीपल ऑफ हिज ग्रेटनेस. इन्हीं लिटरेरी वर्क से, उनके वर्क से लोगों को उनकी ग्रेटनेस पता लगती है, याद आती है. हैंस देर इज़ नो नीड टू पुट अप अ मोन्यूमेंट इन स्टोन फॉर हिम. इसलिए कोई भी स्टोन मोन्यूमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है. He has himself made a great monument of him in the form of his dramas and poems. उन्होंने तो खुद ही एक अपने लिए great monument बना लिया है, वो है drama और poem का, जो उन्होंने लिखे हैं उनके through ही अपना एक monument खुद ही बना लिया है, इसलिए कोई भी stone के monument की ज़रूरत नहीं है. Now the next question is How does Milton describe Shakespeare as the source of inspiration for all succeeding generations of poets? कि जो मिल्टन है वो शेक्सपियर को किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं कि वो जो नेक्स्ट जनरेशन्स आएंगी, जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनके लिए किस प्रकार से वो इंस्पिरेशन का काम करेंगे. Shakespeare has earned great name and fame through his literary works. तो शेक्सपियर ने क्या किया है, अपने लिटरेरी वर्क से ही ग्रेट नेम, अपना नाम कमाया है और फेम, प्रसिद्धि, शान कमाई है, ख्याति कमाई है. कि मीन फेमस अपने काम से हुए हैं और नाम भी इसी वजह से हुआ है. His writings
कवर ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन इमोशंस, ये अपनी बात की थी कि जो उनकी राइटिंग है उसके अंदर ह्यूमन इमोशन का लगभग हर एस्पेक्ट टच किया गया है, उन्होंने हर एस्पेक्ट को कवर किया है। हिज डेल्फिक लाइंस विल ऑलवेज इन्फ्लुएंस द कमिंग जनरेशंस ऑफ पोइट्स, और उनकी जो डेल्फिक लाइंस हैं, मीन फाइन लाइंस हैं, सुपीरियर लाइंस हैं, जो बेस्ट लाइंस हैं, वो क्या करेंगी, वो हमेशा ही जो कमिंग जनरेशन्स ऑफ पोइट हैं, आने वाली जनरेशन्स हैं, उनको क्या करेंगी, इन्फ्लुएंस प्रभावित करेंगी, कि वो लाइनें इतनी ज़्यादा अच्छी हैं, इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशनल हैं कि उनसे आगे आने वाले पोइट इन्फ्लुएंस होंगे, प्रभावित होंगे ही। दे विल लर्न ग्रेट लेसन्स फ्रॉम हिज पोइम्स, वो क्या करेंगे, उनकी पोइम से अच्छे लेसन सीखेंगे, अच्छी बातें सीखेंगे। दस ही रिमेन अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर ऑल सक्सीडिंग जनरेशंस ऑफ पोइट्स। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पोइम, व्हाट इज द बेस्ट ट्रिब्यूट दैट पोस्टेरिटी हैज बेस्टोड ऑन शेक्सपियर, कि जो पोस्टेरिटी मीन फ्यूचर जनरेशन, कि फ्यूचर जनरेशन के द्वारा शेक्सपियर को श्रद्धांजलि क्या दी गई है, किस तरीके से दी गई है। द पोस्टेरिटी हैज़ कंसिडर शेक्सपियर्स ड्रामाज एंड पोइट्री एज ग्रेट वर्क्स ऑफ लिटरेचर, जो पोस्टेरिटी है वो क्या करती है, कंसिडर शेक्सपियर्स ड्रामा, वो ये मानती है कि शेक्सपियर के जो ड्रामा हैं, पोइट्री है, वो लिटरेचर के ग्रेट वर्क्स हैं। द जनरेशंस दैट केम आफ्टर हिम derived inspirations from his works, कि generations that came after him, वो generations जो उनके बाद आएंगी, have derived inspiration from his works, came after him, कि जो generation उनके बाद आई, उन्होंने क्या किया है, derived inspiration from his works, उनके works से inspiration ली है। they have learned lessons इन लाइफ फ्रॉम हिज ड्रामाज एंड पोइम्स, उनको अपनी लाइफ के अंदर उनके ड्रामा से, पोइम से बहुत अच्छे लेसन मिले हैं, अच्छी शिक्षा मिली है, अच्छी बातें सीखने को मिली हैं। दे हैव ऑलवेज केप्ट हिम हाई इन देयर हार्ट्स, और इन्हीं की वजह से वो उनके दिलों के अंदर हमेशा हाई पोजिशन पर रहते हैं, वो उनको रिस्पेक्टेड वे के अंदर देखते हैं। दिस इज़ द बेस्ट ट्रिब्यूट द पोस्टेरिटी हैज़ बेस्टोड ऑन शेक्सपियर, और पोस्टेरिटी के द्वारा शेक्सपियर को इस टाइप से बेस्ट ट्रिब्यूट दिया गया है। तो आज अपने जो लास्ट स्टैंजा था और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे, उनको कंप्लीट कर लिया है, और अगर इसके बाद भी किसी का कोई क्वेश्चन रह जाए तो वो अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।